गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम टू फिल्म एक्सप्लेन इन हिंदी। तो आज हम बात करने वाले हैं अगस्टीन मूवी के बारे में, जो 2012 में रिलीज हुई थी। ये मूवी एक डॉक्टर और उसके पेशेंट की लव स्टोरी पर डिपेंड है। हालांकि इस मूवी में हम अगस्टीन नाम के लड़की को देखते हैं, जो डॉक्टर जीन मार्टिन से फिजिकली अट्रैक्ट हो जाती है। तो अब आगे क्या होता है ये हम इस मूवी में देखेंगे। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम अगस्टीन नाम की लड़की को देखते हैं, जो अपनी बहन के साथ एक रिच फैमिली में मेड का काम कर रही थी। फिर जब अगस्टीन वहाँ के लोगों को खाना परोसने लगती है, तभी अचानक उसे एक सीवियर अटैक आता है, जिसके कारण वो जमीन पर गिर जाती है और फिर कुछ अजीब तरह बिहेव करने लगती है। ऐसा देख सभी लोग डर जाते हैं। तभी एक लेडी आकर अगस्टीन पर पानी फेंकती है, जिसके बाद अगस्टीन होश में आ जाती है। लेकिन उस अटैक के बाद उसकी एक आंख और एक हाथ काम करना बंद कर देता है। हालांकि उसका एक हाथ पैरालाइज हो जाता है और इसीलिए अगले दिन अगस्टीन की बहन उसे लेकर एक हॉस्पिटल जाती है। हालांकि इस हॉस्पिटल में ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स थे जिन्हें इस तरह की बीमारी थी। फिर अगस्टीन को चेकअप करने ले जाते हैं। दरअसल इस हॉस्पिटल के डॉक्टर पेशेंट्स को बिना कपड़ों के चेक करते थे। फिर अगस्टीन को भी वैसे ही चेक किया जाता है और फिर तब डॉक्टर उसे बताता है कि उसे हिस्टेरिया नाम की बीमारी हुई है और इसके इलाज के लिए अगस्टीन को कुछ दिन यहीं पर रहना होगा। फिर अगस्टीन की बहन उसे उसी हॉस्पिटल में छोड़कर वहाँ से निकल जाती है। फिर कुछ देर बाद वहाँ की एक नर्स अगस्टीन को अपना कमरा दिखाती है। फिर शाम को जब अगस्टीन खाना खाने जाती है, तब वहाँ पर वो बहुत सारी लड़कियों को देखती है जिन्हें हिस्टेरिया की बीमारी थी। वो उन सबको नोटिस करती है, तब उसे पता चलता है कि इन सबको अलग अलग सिम्टम्स हैं। फिर वहाँ से वो अपने रूम में सो जाती है। फिर अगले दिन सारी लड़कियाँ रेडी होती हैं, क्योंकि आज डॉक्टर जीन मार्टिन उनका चेकअप करने वाले थे। दरअसल डॉक्टर मार्टिन एक फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट है, जो इन लड़कियों की प्रॉब्लम्स को समझकर उन पर अच्छी तरह से इलाज करता है। हालांकि वो इन सब चीज़ों के लिए पैसे नहीं लेते थे, बल्कि इन लड़कियों के इलाज के लिए वो लोगों से फंडिंग्स लेते थे और फिर उन्हीं पैसों से वो अपना हॉस्पिटल भी चलाते थे। उस दिन भी वो हॉस्पिटल में कुछ लड़कियों का चेकअप करते हैं और फिर कुछ देर बाद अगस्टीन सभी लड़कियों के साथ मिलकर वहाँ के काम करने लगती है। तभी वो देखते हैं कि डॉक्टर मार्टिन कहीं जा रहे थे और इसी दौरान अगस्टीन को फिर से हिस्टेरिया का अटैक आता है, जिसके कारण वो जमीन पर गिर जाती है। फिर तभी डॉक्टर मार्टिन ये सब देख लेता है और फिर अगस्टीन को लेकर अपने कैबिन में जाता है। वहाँ जाकर वो उसे चेक करता है कि असल में अगस्टीन को किस बात के कारण ये अटैक आता है। फिर कुछ देर बाद वो उसके कपड़े निकालता है और फिर उसका पूरा बॉडी चेकअप करता है। वो अगस्टीन के बॉडी पर रेड पेन से कुछ मार्किंग्स बनाता है और उसके हर एक बॉडी पार्ट को चेक करने लगता है। फिर चेकअप के बाद एक नर्स अगस्टीन को कपड़े पहनाती है और फिर वहाँ से ले जाती है। फिर तभी सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जो इसी बीमारी से गुजर रही थी। और तब वो लड़कियाँ बताने लगती है कि बचपन में उनके साथ हुआ टॉर्चर के कारण उन्हें इस बीमारी से गुजरना पड़ रहा है और इसी के चलते उनकी मेंटल कंडीशन पर भी असर हो रहा है। फिर वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर मार्टिन अपनी वाइफ के साथ डिनर करने बैठता है और तब वो उसे उसके पेशेंट अगस्टीन के बारे में बताता है। वहाँ अगस्टीन को मिलने उसकी बहन हॉस्पिटल में आती है और उसका हाल जानने के लिए उसके पास बैठकर बातें करने लगती है। कुछ देर बाद डॉक्टर मार्टिन हॉस्पिटल आ जाते हैं और फिर अगस्टीन को अपने कैबिन में बुला लेते हैं। वहाँ आने के बाद डॉक्टर मार्टिन उसे बताते हैं कि कल हम सबके सामने तुम्हारे साथ एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिसके कारण लोग इस डिसीज के बारे में और भी जान सकेंगे और फिर हमें कुछ फंडिंग भी मिलेगी। फिर अगले दिन कुछ लड़कियां अगस्टीन को रेडी करती है और फिर डॉक्टर मार्टिन उसे सबके सामने प्रेजेंट करता है। फिर कुछ ही देर बाद वो अगस्टीन पर एक एक्सपेरिमेंट करता है, जिसके कारण वो कुछ देर के लिए हिप्नोटाइज हो जाती है और तभी उसे वही हिस्टेरिया का अटैक आता है और फिर तब अगस्टीन कुछ वियर्ड बिहेव करने लगती है। हालांकि वो तब अपने इंटीमेट एरिया में हाथ डालने लगती है। फिर डॉक्टर मार्टिन का ये एक्सपेरिमेंट देख सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। फिर इन सब के बाद डॉक्टर मार्टिन कुछ गेस्ट के साथ डिनर करने लगते हैं और फिर वहाँ पर वो उन सबको इस डिसीज के बारे में डिटेल्स बताने लगते हैं। तब वो बताता है कि इस डिसीज में लड़कियाँ अपना कंट्रोल खो देती है और किसी मेल से अट्रैक्ट होने लगती है। इन सब के बाद डॉक्टर मार्टिन अगले दिन फिर से अपना हॉस्पिटल जाता है और अगस्टीन को चेक करने लगता है और फिर चेकअप के बाद वो नर्स से कहकर अगस्टीन को एक सेपरेट रूम शिफ्ट करने को कहता है। फिर तब अगस्टीन दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाती है। तब वो नोटिस करती है कि डॉक्टर मार्टिन उसे लेकर बहुत ही सेंसिटिव है
हालांकि वो उसकी बहुत केयर भी करता है। ये सब सोचकर ऑगस्टिन मन ही मन खुश होने लगती है। फिर अगले दिन ऑगस्टिन की एक फ्रेंड उसे एक मुर्गे को पकड़ने को कहती है, लेकिन जब ऑगस्टिन उसे पकड़ने की कोशिश करती है तब वो उस मुर्गे का हाल देखकर बेहोश हो जाती है। फिर जब बाद में उसे होश आता है तब वो नोटिस करती है कि अब उसकी दूसरी आँख खुल गई है और अब वो सभी चीजों को क्लियरली देख सकती है। तब ऑगस्टिन खुश होती है और फिर उसे लगता है कि अब उसका हाथ भी ठीक हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता, उसका वो हाथ अब भी वैसा ही था। फिर उसके बाद वो डॉक्टर मार्टिन के पास चेकअप के लिए जाती है और तब वो उसे बताती है कि अब मुझे सब क्लियर दिख रहा है। उसके बाद डॉक्टर मार्टिन उसके कुछ टेस्ट करता है, वो उसके हाथ को भी देखता है, लेकिन अब तक उसके हाथ में कोई बदलाव नहीं था। फिर ऑगस्टिन वहाँ से चली जाती है और अगले दिन वो फिर डॉक्टर मार्टिन के कैबिन आती है। तब डॉक्टर मार्टिन नोटिस करता है कि ऑगस्टिन उसे पसंद करने लगी है और इसीलिए वो उसके करीब आने के लिए बार बार उसके कैबिन आ रही है। लेकिन डॉक्टर मार्टिन एक हैप्पीली मैरिड इंसान था और वो ऑगस्टिन के साथ ऐसा वैसा कुछ करना नहीं चाहता था और इसीलिए वो ऑगस्टिन से दूरी बनाने लगता है। फिर जब ऑगस्टिन का चेकअप टाइम हो जाता है तब वो वहाँ पर दूसरे डॉक्टर्स को देखती है और फिर उनसे डॉक्टर मार्टिन के बारे में पूछती है। जब वो उसे बताते हैं कि आज से आपका चेकअप हम लोग ही करेंगे, तब ऑगस्टिन उनसे चेकअप कराने से इनकार कर देती है। वो उनके साथ वियर्ड बिहेव करने लगती है, तब वो डॉक्टर्स भी उसके ऐसे बिहेवियर से फ्रस्ट्रेट होते हैं और फिर उसे उसके कमरे में बंद कर देते हैं। फिर अगले दिन डॉक्टर मार्टिन की असिस्टेंट उसे ऑगस्टिन के ऐसे बिहेवियर के बारे में बताती है। फिर तब डॉक्टर मार्टिन उसे मिलने उसके रूम में जाता है, वहाँ जाकर वो उसे एक सूप पिलाता है और फिर वहाँ से वो उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। घर जाने के बाद वो ऑगस्टिन को अपने एक पेट मंकी से मिलाता है और फिर उस मंकी को उसके हाथ में दे देता है। वो मंकी भी ऑगस्टिन के साथ मस्ती करने लगता है और फिर कुछ देर ऑगस्टिन भी उसके साथ खेलने लगती है। कुछ देर बाद डॉक्टर मार्टिन भी उन्हें ज्वाइन करता है। तब ऑगस्टिन डॉक्टर मार्टिन के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर मार्टिन उसे इग्नोर करता है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। हालांकि अब डॉक्टर मार्टिन भी ऑगस्टिन से इम्प्रेस हो रहा था और इसलिए वो उस रात अपने स्टाफ को ऑगस्टिन का चेकअप का बहाना देकर उसके रूम में जाता है। हालांकि तब ऑगस्टिन सो रही थी, लेकिन तब डॉक्टर उसकी बुक्स देख लेता है और फिर खुद को कंट्रोल करके वहाँ से चला जाता है। वहाँ से वो अपने घर जाता है और फिर घर जाकर भी उसे ऑगस्टिन का ही ख्याल आने लगता है। फिर अगले दिन वो फिर से हॉस्पिटल जाता है और ऑगस्टिन पर एक एक्सपेरिमेंट करने लगता है। फिर एक्सपेरिमेंट के बाद वो ऑगस्टिन के साथ हॉस्पिटल के बाहर जाने लगता है। तब ऑगस्टिन उसे पूछती है कि तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, मुझे अपने से दूर क्यों कर रहे हो, लेकिन तब भी डॉक्टर मार्टिन उसे कोई जवाब नहीं देता। इसलिए ऑगस्टिन वहाँ से निकल जाती है और फिर अपने रूम में जाकर रोने लगती है। फिर अगले दिन डॉक्टर मार्टिन फिर उसे मिलता है और बताता है कि कल फिर एक बार हम तुम्हें सबके सामने प्रेजेंट करेंगे। फिर अगले दिन नर्स उसे रेडी करती है, लेकिन तब ऑगस्टिन इन सब चीज़ों से तंग आकर वहाँ से भागने लगती है। फिर भागते भागते वो एक जगह गिर जाती है और वहीं पर बेहोश जाती है। फिर जब उसको होश आता है तब वो नोटिस करती है कि अब उसका हार्ट ठीक हो गया है और इसीलिए वो फिर से डॉक्टर मार्टिन के पास जाती है। तब डॉक्टर उसे सब लोगों के सामने ले जाता है और फिर उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसे अटैक नहीं आता, बल्कि अब ऑगस्टिन पूरी तरह से ठीक हो गई थी। लेकिन फिर भी वो डॉक्टर मार्टिन के फंड्स के लिए वहाँ अटैक आने का नाटक करती है। यही बात डॉक्टर मार्टिन को पता चल जाती है और वो ऑगस्टिन से इम्प्रेस हो जाता है। फिर जब वो उसे मिलता है तब वो ऑगस्टिन के करीब आता है और फिर उसके सारे कपड़े निकाल कर उसके साथ इंटीमेट होता है। लेकिन कुछ ही समय बाद उसे रियलाइज होता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है ये सब गलत है और इसलिए वो ऑगस्टिन से दूर हट जाता है। फिर ऑगस्टिन को भी इस बात का रिग्रेट होने लगता है और फिर वो डॉक्टर मार्टिन से दूर जाने का डिसाइड करती है और फिर एक दिन वो डॉक्टर मार्टिन के हॉस्पिटल से भाग जाती है और यहीं पर ही मूवी खत्म हो जाती है। बाकी आपको कैसी लगी मूवी हमें कमेंट करके जरूर बताना और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।